हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप टेस्ट सीरीज में अपने मार्क्स को कैसे इम्प्रूव करें। आई नो कि जब आप टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हो तो आपसे सिली मिस्टेक्स हो रहे हैं, एंड जो क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होना चाहिए वो भी क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है। तो इस वीडियो में बेसिकली आपको क्या प्रोसेस करना चाहिए अगर आपका मार्क्स टेस्ट सीरीज में कम आ रहा है, तो उसको इम्प्रूव कैसे करें, इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। तो जितने भी कैंडिडेट गेट 2025 का एग्ज़ाम अपीयर होने वाले हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप कंप्लीट वीडियो देखिए एंड अपने मार्क्स को इम्प्रूव कीजिए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आप जब प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो आप स्टडीज़ करते हो सिलेबस की, उसके अकॉर्डिंग आप जो है कंसेप्ट प्रिपेयर करते हो कि आपको गेट में क्वेश्चन को यू नो सॉल्व कैसे करना है। NIT क्वेश्चन हो गया या MCQ हो गया, आपको अप्रोच कैसे करना है। एंड जैसे ही आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपको एक आइडिया लगता है, वो ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, उसमें ये कंसेप्ट था। उसके बाद वो आपका जो होता है विदाउट टाइम होता है, राइट, जो आप प्रैक्टिस करते हैं प्रीवियस ईयर। बट जैसे ही आप टेस्ट सीरीज पे पहली बार आते हो तो आपको जो उसका इंटरफेस है, गेट एग्ज़ाम का इंटरफेस है, आपने ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज नहीं किया होता है, एंड जो टाइम वहाँ पे साइड में चलता रहता है कि एक एक सेकेंड कम होता जाता है, वो भी कहीं ना कहीं आपको रियलाइज नहीं होता, बट आपके मेंटल कंडीशन को कहीं ना कहीं वो ट्रबल में डालता रहता है। तो ये चीज़ें जैसे जैसे आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आप यूज टू हो जाओगे उस इंटरफेस से। और जैसे ही आप यूज टू हो जाते हो उस इंटरफेस से, उसके बाद आप अपने जो मिस्टेक्स हैं उस पर काम करना स्टार्ट करते हो। मुझे पता है कि जब आप स्टार्टिंग में टेस्ट सीरीज सॉल्व करने जा रहे हो तो आपके मार्क्स बहुत कम रहे, लाइक किसी किसी के 10 मार्क्स आए होंगे, किसी के 20 आए होंगे, किसी के 25, 30। तो ये जो 25 से 45 और 50 का रेंज है, इसमें आपके मार्क्स जो हैं फ्लक्चुएट हो रहे होंगे। कभी आपके 50 मार्क्स आ रहे होंगे, कभी आपके 35 मार्क्स आ रहे होंगे, डिपेंड ऑन द टेस्ट सीरीज और टेस्ट की डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। तो कभी कभी क्या होता है कि जो टेस्ट होता है ना वो ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, उसकी जो डिफ़िकल्टी लेवल होती है हाई लेवल पे होती है, तो आपके मार्क्स ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाते हैं। ये आप ही कैसे कैंडिडेट नहीं है, ये सभी कैंडिडेट के साथ हो रहा है। तो आपको बस अपने आप को स्ट्रांग रखना है, जब मार्क्स कम आ रहे हैं तब भी ऐसे फील करना है कि कोई बात नहीं, मैं अपने मार्क्स को इम्प्रूव करूँगा। डे बाय डे अपने आप को प्रैक्टिस करना है। जो आप टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, अगर उसमें कम आ रहा है तो उसको एनालाइज करो कि मैंने सिली मिस्टेक्स कहाँ किए हैं और कहाँ मुझे कोई कंसेप्ट नहीं पता था, ये कम्प्लीटली आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन है। तो ऐसे जब आप प्रैक्टिस करोगे और उसके बाद जो भी आपसे मिस्टेक्स हो रही है क्वेश्चन पेपर में, उसको आप नोट करो कॉपी पे, आपके पास कॉपी पेन हो नोट करो। अगर कोई न्यू कॉन्सेप्ट है तो उस न्यू कॉन्सेप्ट को सीखो और उसके बाद कोशिश करो कि एक बार थोड़ा सा डीप एनालिसिस करने का उस कॉन्सेप्ट का, और उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करो, तो जो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी, वो बिलीव मी जो नेक्स्ट टेस्ट आप देने जाओगे तो उसमें आपको वो मिस्टेक्स याद आएगा और जो आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस किया है तो ये क्वेश्चन उस क्वेश्चन से रिलेट कर पाओगे और आपको सॉल्व करने में काफ़ी आसानी होगी। और मैं बता दूँ आपको कि टेस्ट सीरीज ही एक ऐसा टूल है कि जो आपके मार्क्स को इम्प्रूव कर सकता है गेट के मेन एग्ज़ाम में। अगर आपका टेस्ट सीरीज में मार्क्स कम आया और अगर आप डीमोटिवेट हो गए, टेस्ट सीरीज लगाना बंद कर दिए, तो बिलीव मी आपसे एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो रहा है। टेस्ट सीरीज कभी मत बंद कीजिए, टॉपिक वाइज, सब्जेक्ट वाइज, मल्टी सब्जेक्ट वाइज, एंड लास्ट फुल टेस्ट सीरीज। और आपको पता है कि जैसे अब टाइम धीरे धीरे गेट का आ रहा है और जो गेट का रजिस्ट्रेशन है, फॉर्म फिलअप है, वो भी 24 अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोग अच्छे से फॉर्म फिलअप कीजिए विदाउट एनी मिस्टेक। टेस्ट सीरीज पे जैसे मैंने बताया कि आप फोकस कीजिए, अपने मिस्टेक्स को अवॉइड कीजिए। स्टार्टिंग में 20 मार्क्स, 30 मार्क्स, 35, 40 नॉर्मल है, ये सभी कैंडिडेट के साथ होता है। इवन जो लोग टॉपर्स होते हैं ना, मतलब उनके भी मार्क्स 55, 60, 70, 75 ऐसे ही आते रहते हैं।
तो आपको किसी से कंपेयर नहीं करना, आपका कंपेरिजन सिर्फ आपसे होना चाहिए कि आपने जितना एफर्ट लगाया उसके अकॉर्डिंग क्या आपका मार्क्स आ रहा है। अगर आ रहा है तो अच्छी बात है, उस पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना कि मेरा मार्क्स आ रहा है तो मैं अब चिल हो जाऊं, मेरे मार्क्स आते रहेंगे। नहीं, आपको कॉन्टिन्यूस इन्वॉल्व रहना और इम्प्रूवमेंट करते रहना है। जैसे क्या होता है, कभी कभी आप यू नो 60, 70, 75, 3-2 टेस्ट में लाते हो तो आप अपना जो स्टडी पे ग्रिप है ना थोड़ा सा लूज करते हो कि अब तो मेरे मार्क्स आ रहे हैं और मुझे अब ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, आपको कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट करना है। या जिनकी अभी मार्क्स 20-30 आ रहे हैं उनको तो इम्प्रूव करना है, क्योंकि आपके मार्क्स भी कम आ रहे हैं और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से नहीं हो रही है, ये टेस्ट शो कर रहा है। तो आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, डेली एनालिसिस करना है अपने ऊपर। मतलब आपकी जो मेन प्रिपरेशन है, आप तो कंसेप्ट सीख लिए हो, लेकिन जो आप मिस्टेक्स कर रहे हो उसको इम्प्रूव करने में आपको यू नो हमेशा अपने टेस्ट सीरीज की इवेल्युएशन करना है, कहाँ मैंने मिस्टेक्स किया, क्या कंसेप्ट लूज किया, उसको प्रैक्टिस करो। एंड एग्जाम टेस्ट देने से पहले एक बार थोड़ा रिवाइज कर लो कि मैंने किन मिस्टेक्स को यू नो प्रीवियस टेस्ट में किया था। ऐसे आप ही नहीं हो, जैसे मैंने बताया सभी कैंडिडेट के ऐसे मार्क्स फ्लक्चुएट होते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर और कि आपने कितने कंसेप्ट किस टॉपिक से रिलेटेड सीखे। अगर आपने जो कंसेप्ट सीखे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आप डेफिनेटली अच्छा कर पाओगे टेस्ट में, राइट। लेकिन अगर वही जो आपने नहीं सीखा हुआ है उससे रिलेटेड आ गया क्वेश्चन तो आप नहीं परफॉर्म कर पाओगे और वहीं आप लोग हो जाते हो डीमोटिवेट। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, डेली टेस्ट सीरीज देते रहना है, जो भी आपका प्लान है प्लान के अकॉर्डिंग। एंड टेस्ट को एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, मतलब आपको एनालिसिस करना ही करना है। तो आप देते रहो, एनालिसिस करते रहो, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर मार्क्स, आपके कितने भी मार्क्स कम आ रहे हो आपको उसको यहाँ पे नहीं रखना है। आपको जस्ट टेस्ट देने जाता है, बिलीव मी आप इम्प्रूव करोगे डे बाई डे। अगर नहीं भी किए तो वीक टू वीक, मंथ टू मंथ आप इम्प्रूव करोगे। और ऐसे मार्क्स मेरे भी आते थे कभी 25, 30, 35, 40 और यू नो 35 और 60 के बीच में मैं हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता था। टू बी ऑनेस्ट 35 से 60 के बीच पे फ्लक्चुएट होता रहता था अकॉर्डिंग टू द यू नो डिफ़िकल्टी ऑफ टेस्ट सीरीज। ऐसे ही वीडियो आप अगर चाहते हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।